हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल गुप्ता और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 775 मोटर से भी पावरफुल डीसी मोटर बनाएंगे और वो भी भाई जुगाड़ से, क्योंकि इस मोटर को बनाने के लिए आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, अधिकतर चीज आपको घर पे ही मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो मोटर बनाना भी आसान लगने लगेगा, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप लोगों को मोटर के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो घर पर डीसी मोटर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले हमें आर्मेचर बनाना होता है और आर्मेचर बनाने के लिए हमें सबसे पहले शाफ्ट का जुगाड़ करना पड़ता है। और आप सब लोग देख सकते हो मेरे पास कई सारे अलग अलग साइज के मेटल के रॉड पड़े हुए हैं। और आप सबके पास अगर ये शाफ्ट ना हो तो आप लोग क्या करोगे भाई, सिंपल और सीधा वाला जुगाड़ है भाई, पेन का जो रिफिल आता है आप लोग उसका भी यूज कर सकते हो, उसका भी भाई शाफ्ट बन सकता है और आप लोग उसका यूज कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास मेटल का भाई रॉड है तो हम लोग इसी का भाई शाफ्ट बनाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आर्मेचर को बनाने के लिए नट बोल्ट का यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये जो नट बोल्ट होता है ये मेटल का होता है और भाई जो आर्मेचर होता है वो भी मेटल का ही बनाया जाता है। अगर प्लास्टिक व्लास्टिक से बना दोगे तो भाई वो उतना अच्छा वर्क नहीं करता है, तो भाई मेटल का बना देने से क्या होता है, चुंबकीय फील्ड भाई अच्छे से बनता है, जिसकी वजह से एकदम मस्त हमारा भाई मोटर चलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने इस शाफ्ट के ऊपर मेजरमेंट ले लेते हैं ताकि भाई हमें पता चले कि कहाँ से कहाँ तक हमें ये जो नट बोल्ट है उसे चिपकाना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, जो एम सील होता है उसको ले लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एम सील की मदद से हम ये नट बोल्टू को चिपकाएंगे, क्योंकि भाई मजबूत भी बनाना है और प्लस वजनदार भी बनाना है। क्योंकि आप लोग देखोगे अगर पुराना मोटर अभी कभी खोले होगे तो आप लोग देखोगे वो भाई जो आर्मेचर होता है वो थोड़ा भारी होता है, तो बस भारी ही बनाना है ताकि एकदम भाई टार्क जनरेट करे और एकदम मस्त हमारा मोटर चले। तो आप लोग देख सकते हो हमने अपने शाफ्ट के ऊपर भाई इस तरीके से अपना जो एम सील है उसको मैंने लगा दिया है और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर नट बोल्टू को चिपकाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यार नट बोल्टू को चिपकाना शुरू करते हैं। और आप लोग जानते होंगे नट बोल्टू को किस तरीके से चिपकाना है, क्योंकि आप लोग मोटर को खोलोगे तो देखोगे भाई थ्री साइड का होता है जिसमें हम लोग को कॉइलिंग करना रहता है, थ्री ठे और एक फाइव वाला होता है, तो वो भाई ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, थ्री वाला ही बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमने नट बोल्टू को चिपका दिया है कुछ इस तरीके से, सेम टू सेम आपको भी इसी तरीके से चिपका देना है। और जब चिपका लो तो भाई सुपर ग्लू भी इसके अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए, कि अगर हम लोग क्वाइलिंग करें तो वो जो नट है वो भाई गिरे ना, कहीं से निकल ना जाए। तो भाई ये रही बात मजबूती की, तो आप लोग एक बार देखो इसको, मैंने इसे चारों तरफ से एम सील से चिपका दिया है, क्योंकि भाई हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसे एकदम एक नंबर बनाते हैं, कोई कितना भी इसे तोड़ने का कोशिश करे टूट नहीं सकता है। और भाई ये एकदम पूरी तरीके से बैलेंस है, आप लोग देख सकते हो मस्त गोल गोल घूम रहा है। तो हमारा आर्मेचर का आधा अधूरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग क्वाइलिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कापर का वायर ले लिया है और ये जो कापर का वायर है वो 25SWG का है। तो आप लोग जाना भाई मार्केट में और कापर का दुकान जहाँ पे कापर का वायर मिलता है वहाँ पर जाना और कहना कि 25SWG का वायर दीजिए और 20-25 रुपए खरीद लेना भाई, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, कई सारा मोटर बना सकते हो। तो चलिए अब इसके ऊपर फेरे लगाना चालू करते हैं और जो हमारा फेरा लगेगा वो भाई 7 फेरा नहीं लगेगा, कम से कम 40 फेरा लगेगा और वो भी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज लगाना है कि एंटी क्लॉकवाइज लगाना है ये भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 40 टर्न तो भाई मारने पड़ेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग 40 टर्न मारने के बाद हम लोग कुछ वायर ऊपर की ओर छोड़ देंगे और उसके बाद फिर दूसरे वाले में भी 40 टर्न मारेंगे और वो भी भाई क्लॉकवाइज। जिस दिशा में हमने पहले वाले में 40 टर्न मारे हैं सेम टू सेम उतने ही टर्न हमें दूसरे वाले में सेम टू सेम दिशा में भाई मारने हैं, इसलिए भाई ध्यान रखना, अगर उल्टा सीधा टर्न मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मोटर चलेगा ही नहीं। और तीसरे वाले में भी हम लोग 40 टर्न मारेंगे सेम टू सेम उसी दिशा में और उसका भी वायर हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो सब कुछ फाइनल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यार आप लोग देख सकते हो हमने क्वाइलिंग कंप्लीट कर दिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, एकदम क्लीन हुआ है और तीन ठो वायर ऊपर की ओर भाई निकल चुका है। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वाइलिंग है उसके ऊपर हम लोग सुपर ग्लू लगा देते हैं ताकि एकदम अच्छे से चिपक जाए, कहीं हिल डुल ना करे, एकदम भाई परफेक्ट कुछ भी बनाओ एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यार क्वाइलिंग तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, पेपर टेप ले लेंगे और उसको हम लोग इस नीचे वाले हिस्से पे चिपका देंगे और खूब मोटा कर देंगे उसको। और यहाँ पर इतना मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ, तो क्योंकि भाई मैं वहाँ पे बनाने वाला हूँ कम्यूटेटर और कम्यूटेटर जो थोड़ा होता है वो थोड़ा मोटे जगह पे रहता है तो अच्छा से वर्क करता है, ज़्यादा अच्छे से उसके टर्मिनल टच होते हैं और मोटर हमारा अच्छे से मतलब चलता है, इसलिए हमें उसको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। और अब भाई हमने तो टेप चिपका दिया और ये जो एक्स्ट्रा वाला है उसको हम लोग काट देते हैं, तो काट के बाहर निकाल देंगे, मस्त एकदम कट जाएगा भाई,
आप लोग देख सकते हो हमने काट दिया है और एकदम अच्छे से हमारा कम्यूटेटर का जो जगह है वो बन चुका है। और अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी हम लोग सुपर ग्लू लगा देंगे ताकि ये थोड़ा और मजबूत हो जाए, मोटा हो जाए और थोड़ा कड़क हो जाए। और इसके बाद हम लोग मेटल के गोल गोल पीस इस तरीके से कर लेंगे जो कि कम्यूटेटर बनेगा। और ये जो मेटल है वो भाई कोई दूसरा चीज़ नहीं है, ये जो हमारा टीन कनस्तर होता है इसी का मैंने गोल करके और उस शेप में काट दिया है ताकि आप लोग का समय बचे भाई। ईजी एकदम भाई, लंबा लंबा काट के गोल कर देना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको भी चिपका देंगे इसके ऊपर और सुपर ग्लू से भाई बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो हमने इन तीनों कम्यूटेटर को चिपका दिया है और अब ये भाई जो टर्मिनल है उससे एकदम टच हो जाएगा और हमारा मोटर चलने लगेगा। उससे पहले तो भाई सोल्डिंग भी करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग देख लो भाई हमारा कम्यूटेटर चिपक चुका है। और हाँ भाई, हर तीनों कम्यूटेटर के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, तीनों आपस में टच नहीं है। अगर टच कर दोगे तो भाई चलेगा ही नहीं मोटर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तभी भाई जो हमने ये कॉपर का वायर बाहर निकाला है उसके ऊपर जो इंसुलेटर लगाया है उसको तो पहले छील के हटा लेते हैं और उसके बाद हम लोग इन तीनों के ऊपर सोल्डिंग कर देंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमने सोल्डिंग कर दिया है, एकदम अच्छे से सोल्डिंग हो चुका है। और इसी के साथ साथ हमारा जो मोटर का आर्मेचर है वो पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो चुका है। और भाई मेन चीज़ यही होता है मोटर का, ये बन गया तो भाई मोटर आपका बन गया समझो। तो अब हम लोग भाई मोटर का जो बॉडी होता है उसको बनाएंगे, तो इसको हम लोग अभी साइड रखते हैं। और अभी आप लोग देख सकते हो मैंने पीवीसी पाइप का कुछ पीस इस तरीके से काट लिया है भाई, मैंने पहले से काट के रख लिया है ताकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। और ये जो मोटर का बॉडी है वो लगभग 2 इंच का है और आप लोग देख सकते हो मैंने ऊपर और नीचे वाला भी पहले ही से बना लिया है। और हाँ भाई, मैंने इसके ऊपर थोड़ा मोटर का डिजाइन भी बना दिया है ताकि देखने में थोड़ा मोटर की तरह फील आए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग 2 बैरिंग ले लेंगे क्योंकि हमें 775 मोटर से भी पावरफुल मोटर बनाना है, तो बैरिंग लगाएंगे तभी तो भाई और तेज चलेगा। और ये जो बैरिंग है भाई वो हमारे मोटर के शाफ्ट में आसानी से घुस जाना चाहिए और निकल जाना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और इस बैरिंग को हम लोग मोटर का जो ऊपर और नीचे वाला भाई पीवीसी पाइप है उसके ऊपर हम लोग चिपका देंगे और एकदम सेंटर में होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो हमने चिपका दिया है और एकदम भाई अच्छे से चिपक चुका है। इसके बाद हम लोग ले लेंगे मैग्नेट और आप लोग देख सकते हो अभी फिलहाल मेरे पास न्यूडियम मैग्नेट है, आप लोग इसका यूज कर सकते हो। ये भाई आसानी से मिल सकता है आपको, मार्केट वर्केट में जाओगे तो ढूंढोगे तो मिल जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं मिलता है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हमारे पास एक पुराना खराब सड़ा हुआ गला हुआ भाई मोटर पड़ा हुआ है जिसका मैग्नेट एकदम अच्छा है, तो हम उस मैग्नेट को ले लेंगे और इसी मैग्नेट का यूज करेंगे अपने इस मोटर को बनाने के लिए। वैसे आप कोई सा भी मैग्नेट लगा सकते हो, बस एन और एस का ध्यान रखिएगा, बाकी भाई आपका मोटर बन जाएगा। तो चलिए ये जो हमारा मैग्नेट है इसको हम लोग चिपका लेते हैं और इसको भी हम लोग सुपर ग्लू से चिपका देंगे भाई, एकदम मस्त चिपक जाएगा। और ज़्यादा जरूरत हो तो भाई किनारे किनारे पीवीसी पाइप लगा के अच्छे से चिपका लेना। तो चलिए अब हम लोग ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी हम लोग चिपका लेते हैं और सुपर ग्लू से भी इसको चिपका लेंगे, पीवीसी पाइप है तो अच्छे से चिपक जाएगा भाई, निकलेगा नहीं। अब भाई ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमें लगाना है टर्मिनल ताकि हमारे मोटर के अंदर बिजली की शक्ति भाई दौड़ जाए, उसके लिए टर्मिनल तो लगाना ही पड़ेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमने इसे एल शेप में इस तरीके से कुछ बनाया है और इसको हम लोग अपने इस नीचे वाले हिस्से में मैंने लंबा लंबा छेद किया है, एकदम उसमें आराम से घुस जाएगा। और कुछ इस तरीके से इसको भी सुपर ग्लू से चिपका देंगे। और ये जो टर्मिनल है इसको भी मैंने टीन कनस्तर का जो टीन होता है उसी से बनाया है, एकदम अच्छे से वर्क करता है, मैंने कई बार इसका यूज किया है। तो ये वाला जो जुगाड़ है वो एकदम ट्रस्टेड है, एकदम आप लोग यूज कर सकते हो, मैंने कई बार यूज किया है। वैसे मैं जब टेस्टिंग करके दिखाऊंगा तो आप लोग को भाई प्रूफ मिल जाएगा। तो चलिए अब ये जो हमारा आर्मेचर है उसको हम लोग इस मोटर के बॉडी में फिट करते हैं और अपना मोटर बनाते हैं और भाई टेस्टिंग करते हैं जल्दी से। तो नीचे वाले बॉडी को भी हम लोग सुपर ग्लू से चिपका देते हैं और उसके बाद तो हमारा मोटर कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये जो मोटर है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। आप लोग देखो भाई एकदम मोटर की तरह लग रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट से कोई बड़ा सा मोटर खरीद के आया है। और भाई बड़ा है ये तो पावरफुल भी है भाई, टेस्टिंग करूंगा तो आप लोग देखना कितना पावरफुल है। तो चलिए टेस्टिंग भी करके आपको दिखाते हैं। तो भाई ये पावरफुल है तो इसको पावरफुल चीज़ भी चाहिए चलाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो हम अपना SMPS यूज़ करने वाले हैं, पावर सप्लाई यूज़ करने वाले हैं और आप लोग देख सकते हो भाई कितना तेज चल रहा है, आवाज़ सुन के समझ सकते हो भाई बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहा है। वैसे मैं आपको इसके ऊपर टेप चिपकाता हूं और उसके बाद में इसको चला के दिखाता हूं तो आपको स्पीड का भी थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाएगा कितना तेज चलता है। तो आप लोग देख सकते हो भाई ये धीरे धीरे अपना स्पीड इंक्रीज करता जाता है और बहुत ही ज़्यादा तेज चलने लगता है। और जब ये अपना पूरा स्पीड में आ जाता है तो आप लोग इसका आवाज़ सुन सकते हैं यार कितना तेज चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहा है। और आप लोग देख सकते हो हमारा पूरा 10 का 10 एम्पियर यूज कर रहा है भाई, अगर हमारे पास इससे भी अधिक मतलब एम्पियर का SMPS होता है इसके अंदर तो ये भी भाई यूज करता, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ बना है। अभी हमारा ये SMPS भी इसको उतना पावर नहीं दे पा रहा है, आप लोग देख सकते हो भाई इसके अंदर स्पार्क किस तरीके से क्रिएट हो रहा है।
और आप लोग देख सकते हो भाई धुआं निकल रहा है, और वो धुआं कहाँ से निकल रहा है भाई, इसके बैरिंग में से निकल रहा है। इसका जो बैरिंग है उसके अंदर जो भाई ग्रीस है वो भाई जल रहा है, तो उसमें से धुआं निकल रहा है। एक दो बार निकलेगा, उसके बाद नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स यार ये हमारा छोटा सा प्यारा सा लेकिन पावरफुल डीसी मोटर बन के कंप्लीट है, मस्त वर्क कर रहा है भाई, एकदम तेज चल रहा है, पूरा का पूरा 10 एम्पियर ले रहा है। अगर मेरे पास 10 एम्पियर से भी ज्यादा पावरफुल पावर सप्लाई होता तो ये मोटर भाई 10 एम्पियर से भी ज्यादा पावर लेता। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।